उत्तर प्रदेश में हिंसाएं हुई, उस हिंसा में पीएफआई का नाम आया, कहा कि इसके लोग इसमें शामिल हैं। अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह भी ये दावा कर रहे हैं कि यही लोग थे जिन्होंने लोगों को बहकाया, हिंसा को फैलाया और इन पर शिकंजा कसना अब जरूरी है। एक रिपोर्ट के जरिए खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आज यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यूपी में सीए के खिलाफ हुई हिंसा में पीएफआई की गतिविधियां सामने आई हैं। डीजीपी ने बताया कि उनके पास पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत है। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि पीएफआई जो है वो सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व रहा है। यही कारण है कि हमने 25 उनके सक्रिय मेंबर्स को गिरफ्तार किया। हमारे पास एम्पल प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शंस के जितने भी वो हैं उन सबों से हमें ये प्रतीत होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से मोबिलाइज किया है और इस मोबिलाइजेशन में पीएफआई का हाथ रहा है और यही कारण है कि हमने गृह विभाग को अनुरोध किया है कि हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करें और गृह विभाग ने भारत सरकार को भेज दिया है। अब ये भी जान लीजिए कि क्या है पीएफआई। केरल से शुरू होकर कई राज्यों में पसार चुका है पांव। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है। साल 2006 में पीएफआई का गठन किया गया। कई और संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने अपनी पैठ बनाई। समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे। बता दें कि सीएए के विरोध में हुई हिंसा में पुलिस ने ये पाया कि यूपी में माहौल को ज्यादा हिंसक बनाने में पीएफआई के लोग ही शामिल थे, जिसके बाद पीएफआई को बैन करने की मांग की जा रही है। बहरहाल पुलिस पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट R90।